मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। वहीं त्वांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हमें और देश के सवालों को जवाब दे। इसके अलावा त्वांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए कहा कि वो भारत के साथ है। पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प ने कहीं ना कहीं अब देश में सियासत रुख ले लिया है। जी नंदिनी, अगर देखा जाए तो 9 दिसंबर को जो अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के पास तवांग सेक्टर में जो झड़प हुई थी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच, तो वो जो है अब एक बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा भी जो है वो बनता चला जा रहा है। जैसे हमने कल देखा कि कल लोकसभा में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया था और रक्षा मंत्री ने ये बताया था कि हमारा कोई भी जवान जो है इस हमले में गंभीर रूप से घायल नहीं है, कुछ मामूली चोटें लोगों को आई है और हमारी सेना ने बड़ी ही वीरतापूर्ण मुकाबला करके चीनी सैनिकों को वहाँ से भगा दिया है। लेकिन आज जो है विपक्ष जो है पूरा विपक्ष कांग्रेस के जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक विपक्षी बैठक करेंगे और अभी पता चला है कि विपक्ष ने राज्यसभा से इस मुद्दे पर हंगामे के बाद वॉकआउट भी कर दिया है और सरकार पर ये आरोप लगाया है कि 8 दिसंबर की रात और 9 दिसंबर की सुबह की यह घटना थी और सरकार ने इसकी जानकारी पूरे 2 दिन लेट दी थी और पूरे देश को इस बात से छुपाया जा रहा था और जानकारी 2 दिन बाद दी जा रही थी। वहीं एक अन्य नेता जैसे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन पर सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम तो लेते हैं लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर चीन का नाम नहीं लिया है। तो चीन पर जो हमारी नीतियाँ हैं वो कमज़ोर है लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सेना जो है 1 इंच का टुकड़ा भी किसी को नहीं देगी, ऐसा AIMIM के नेता जो है मुखिया जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। नंदनी, विवेक, देखा जाए तो चाइना लगातार, अगर हाल ही के साल की रिपोर्ट की बात करें तो 2017 के डोकलाम में, फिर 2020 के गलवान में इस तरह, और फिर अब अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में इस तरीके से हमले चाइना लगातार क्यों करता है? देखिए, डोकलाम हुआ या फिर ये तवांग का जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग का जो मैटर हुआ उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि चाइना जो है वो 5 फिंगर की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर चुका है और काफ़ी समय से 5 फिंगर की पॉलिसी पे काम कर रहा है जिसमें अरुणाचल, सिक्किम, नेपाल और इस तिब्बत का पूरा एरिया, ये 5 चीज़ें आती हैं जिन्हें वो अपना एक अधिकार बताता रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना जो है अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है जबकि ये भारतीय हिस्सा है जिसे वो कब्जाने की फिराक में लगा हुआ है। और अगर पंचशील सिद्धांतों की बात करें तो उस समय से पहले से ही जो है चीन की नीतियां जो है भारत को लेकर पहले से स्पष्ट हैं, हमारी नीतियां उतनी स्पष्ट नहीं थी लेकिन अब हम अपनी नीतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। और वही अगर डोकलाम की बात की जाए या तवांग सेक्टर की बात की जाए तो समय समय पर जो है चीन इस प्रकार की हरकत करता है, सीमा पर डिस्प्यूट पैदा करने की हरकत करता है जैसा अभी 9 दिसंबर को जो है अरुणाचल प्रदेश के LSC में तवांग सेक्टर में देखने को मिला है। लेकिन भारतीय सेना हर बार जो है चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो तवांग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मसला हो, हर बार जो है चीन को कड़ा जवाब देती है और उनके सैनिकों को खदेड़ के फेंक देती है। वहीं चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी पे काम करता है जिसके अंदर वो ताइवान, हांगकांग और मकाऊ का भी अपना हिस्सा बताता है और किसी भी देश से अगर निवेश या व्यापार करता है तो पहले यह सुनिश्चित करता है कि वो चाइना की वन पॉलिसी को माने, इस MOU पे साइन करे, उसके बाद ही उसके साथ व्यापार भी करता है। इस वन पॉलिसी, चाइना की वन पॉलिसी के तहत वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और कहता है कि चीन ही एक राष्ट्र है, ताइवान अलग देश नहीं है, ताइवान चीन का ही हिस्सा है। तो जो भी राष्ट्र, जो भी देश चीन से अपने संबंध रखना चाहेगा उसे अपने ताइवान से सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। तो चाहे वो 5 फिंगर की बात हो, चाहे वन पॉलिसी की बात हो या फिर जो मोतियों की जो माला है
जो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग को बताने की बात कर रहा है, जिस प्रकार से भारत को समुद्री यात्रों से घेरने की बात कर रहा है, इस पे भी वो लगातार जो है अपना आक्रमण कदम बढ़ाते जा रहा है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी उसने अच्छा खासा निवेश किया है और उसके बाद अफगानिस्तान में भी उसकी जो है अच्छी खासी पकड़ है, और पाकिस्तान में निवेश करने का यही मकसद है कि उसको मिडिल ईस्ट से रास्ता मिल जाए, मिडिल ईस्ट से व्यापार करने का रास्ता मिल गया, और सबसे बड़ा रोड़ा जो है इसमें भारत है, इसलिए भारत के अन्य अन्य हिस्सों में इस प्रकार की सैनिक कार्रवाई, छोटी मोटी सैनिक कार्रवाई करते रहता है, अपने सैनिकों को भेज के इस प्रकार डिस्प्यूट कराता रहता है, ताकि हम भारत को एक एक जगह पे, हर एक जगह पे थोड़ा डिस्प्यूट करके परेशान करते रहे और मेन मुद्दे से उसको भटकाते रहे। नंदनी, अगर देश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये झड़प और हिंसक झड़प देश में सियासत तो गर्म हो ही गई है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस पे अपने बयान में कहा कि वो भारत के साथ है। जी, इस मुद्दे पे जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनका बयान आ गया है, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका खुद किसी का हितैषी नहीं है, वो अपने स्वार्थ को देखता है, अपनी चीज़ों को देखता है। अगर उसका स्वार्थ भारत के साथ है तो भारत के साथ जाएगा, अगर उसका स्वार्थ पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान के साथ जाएगा। उनका एक स्लोगन है अमेरिकन फर्स्ट, यानी पहले उनका वो अपना देखते हैं, उसके बाद ही किसी दूसरे राष्ट्र का देखते हैं। आज अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है तो इसके पीछे भी कई प्रकार की अमेरिकी जो है लॉजिक है, कई रणनीति है, क्योंकि चाइना से उसका डिस्प्यूट काफ़ी पहले है, और कोरोना के बाद से जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था गिरी थी और चाइना की अर्थव्यवस्था जो है बढ़ती चली गई थी, उसके बाद से जो है चाइना और अमेरिका का जो डिस्प्यूट होने लगा था, तो ये अमेरिका की मजबूरी है भारत को सपोर्ट करना, क्योंकि यहाँ भारत वर्सेस चीन का मामला है। और जो बाइडेन ने साफ कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो चीनी सैनिकों की उकसावे की कार्रवाई है, चीन ने जबरदस्ती यहाँ भारतीय सैनिकों को उकसाया है, जिसके बाद यहाँ पे भारतीय सैनिकों द्वारा कार्रवाई की गई, उनको खदेड़ा गया है। अगर हम बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो चाइना इस समय अमेरिका से लगभग 20 वर्ष आगे चला गया है, और कई जगहों पे, कई नदियों पे, चाहे सिंधु नदी हो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, वहाँ पे लगातार डैम भी बनाया गया है, और आने वाला समय नंदिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का है, और चाइना इसमें काफ़ी आगे निकल चुका है, तो अमेरिका इस दौड़ में, जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है AI की, उससे बाहर हो चुका है, तो अमेरिका की मजबूरी है भारत को सपोर्ट करना इस मुद्दे पे। नंदिनी, इस पूरे मामले पर चाइना ने अपना बयान दिया है कि उनकी सेना पेट्रोलिंग करने जा रही थी, तो वहीं भारतीय सेना ने उसको रोका है। जी बिल्कुल, चीन जो है इसके बाद अपने बयान देगा ही, अपनी प्रतिक्रिया देगा ही, वो खुद को डिफेंस करेगा, और इस झड़प के पूरे 22 घंटे बाद जो है चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा कि भारतीय सैनिक उसको उकसाते रहते हैं, और यहाँ जो गलती है भारतीय सैनिकों की है, क्योंकि वो अपनी जगह पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो हिस्सा उनका था, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग के लिए रोका गया और उनको आगे नहीं जाने दिया, उसके बाद से ये कार्रवाई हुई। चीन अपने डिफेंस में ये बयान दे रहा है कि भारत ने उसे उकसाया है, लेकिन हकीकत दुनिया को पता है, चीन जो है भारतीय हिस्से में पेट्रोलिंग कर रहा था, जबकि ये दोनों सेना है जो LAC के 1 किलोमीटर के पीछे है, LAC के 1 किलोमीटर उधर चाइना है और 1 किलोमीटर इधर भारत है, तो आप LAC में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, ऐसा संधि के हिसाब से, नियमों के हिसाब से बताया गया था। LAC के अंदर आके चाइनीज सेना जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया, और जो झड़प हुई है उसमें भारतीय सैनिकों ने बड़े ही वीरतापूर्वक जो है इन्हें खदेड़ दिया है। नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।